फेमस बॉलीवुड सिंगर लकी अली। लकी अली को कौन नहीं जानता, भले ही वो इन दिनों लाइमलाइट से दूर हो, लेकिन लकी अली की वो खूबसूरत आवाज आज भी गानों में गूंजती है जब आवाज आती है लकी अली के गानों की। लेकिन आज लकी अली को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ र्यूमर्स उड़ रहे हैं। इन र्यूमर्स में ये दावा किया जा रहा है कि लकी अली का निधन हो गया है कोरोना की बीमारी के चलते। लकी अली कोरोना की बीमारी से संक्रमित थे, वो इस बीमारी को झेल नहीं सके और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। क्या है लकी अली के निधन की खबर की पूरी सच्चाई, देखिए ये रिपोर्ट। ये बात तो हर कोई जानता है कि किस तरह हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री के निधन की खबर हाल ही में फेसबुक पर काफी तेजी से वायरल हुई थी। हालांकि मीनाक्षी शेषाद्री ने एक पोस्ट के जरिए इन खबरों का खंडन भी किया था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी बॉलीवुड स्टार के निधन की फेक न्यूज इस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हुई हो। इससे पहले भी ऐसे कई स्टार्स की निधन की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। बता दें कि वहीं अब मीनाक्षी शेषाद्री के बाद बॉलीवुड के मशहूर गायक और एक्टर लकी अली को लेकर भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है, जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि सिंगर लकी अली का निधन हो गया कोरोना की बीमारी से। लेकिन इस खबर की पूरी सच्चाई क्या है तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल हाल ही में मशहूर सिंगर और एक्टर लकी अली को लेकर उनके निधन को लेकर ऐसी अफवाहें उड़ने लगी सोशल मीडिया पर, जिसके बाद सामने आई लकी अली की दोस्त नफीसा अली, जिन्होंने बताया लकी अली के निधन का राज और निधन की पूरी सच्चाई। सोशल मीडिया पर लकी अली के निधन के र्यूमर्स उड़ रहे हैं। बताया गया है कि लकी अली का निधन कोरोना वायरस की बीमारी के चलते हो गया। यहां तक कि इस खबर को सुनने के बाद फैंस लकी अली को श्रद्धांजलि भी देने लगे थे, लेकिन जैसे ही इंटरनेट पर उड़ी इन अफवाहों के बारे में लकी अली की दोस्त और एक्ट्रेस नफीसा अली को पता चला, तो उन्होंने जल्द से जल्द सोशल मीडिया पर आकर सामने लकी अली के निधन पर अपना रिएक्शन दिया। नफीसा अली ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर बताया कि लकी अली के निधन की खबर महज एक अफवाह है, लकी अली पूरी तरह से ठीक है। नफीसा अली ने अपने ट्वीट में लिखा कि लकी पूरी तरह से ठीक है, वो अपने परिवार के साथ है। यहाँ तक कि मैंने आज ही लकी अली के साथ चैट भी की थी, वो अपने परिवार के साथ अपने फार्म हाउस पर है। उन्होंने ये भी कहा कि लकी अली को कोई कोरोना भी नहीं हुआ, लकी अली पूरी तरह से ठीक है। सोशल मीडिया पर नफीसा अली का ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सिंगर लकी अली पिछले कुछ समय से इस बॉलीवुड इंडस्ट्री और लाइमलाइट से दूर है। लकी अली फिलहाल अपने परिवार के साथ बेंगलुरु में है। लकी अली 90 के दशक के मशहूर और शानदार सिंगर्स में से एक माने जाते हैं। लकी अली अपनी खूबसूरत आवाज से लंबे समय तक फैंस को एंटरटेन भी करते रहे, जहां पर लकी अली ने कई सारे गाने गाए, जिसमें पहला था क्यों चलती है पवन, दूसरा था ओ सनम, तीसरा था जाने क्यों ढूंढता है और चौथा था मौसम। ऐसे कई बेहतरीन गानों में लकी अली ने अपनी आवाज दी है। आज भी लकी अली के कई गाने सोशल मीडिया पर लोग सुनना पसंद करते हैं। खैर, ये बात तो थी लकी अली की उस र्यूमर को लेकर जो र्यूमर इन दिनों सोशल मीडिया पर लकी अली के निधन को लेकर उड़ रहे हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे लकी अली की जिंदगी के बारे में। लकी अली जो कि इंडिया के एक मशहूर सिंगर और एक्टर हैं, लकी अली सिंगर के रूप में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए और उनके गाने भी फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। लकी अली का अगर पूरा नाम जाना जाए तो उनका असली नाम मकसूद महमूद अली है। लकी अली जन्म 19 सितंबर सन 1989 में हुआ था। लकी अली बॉलीवुड के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक्टर और
महमूद के बेटे हैं। लकी अली ने बेंगलोर में बिशप कॉटन बॉयज स्कूल से अपनी पढ़ाई की है। मासूमा उनकी पहली पत्नी थी जिन्होंने अपनी पहली एल्बम स्नोहा की वीडियो ओ सनम में एक्टिंग की थी। लकी अली और मासूमा के दो बच्चे तस्मिया और तवावस हैं। बाद में लकी अली ने एक पारसी लड़की इनाया के साथ शादी कर ली और इनाया के साथ पहले से ही सारा नाम की एक लड़की है। लकी अली की पहली एल्बम स्नोहा काफ़ी सक्सेसफुल रही थी जिसने भारतीय पॉप और फेमस सिंगर्स में नाम शुमार कर लिया। बता दें कि लकी अली ने साल 1996 में सबसे पॉपुलर सिंगर्स में अपना नाम और अपनी पहचान बनाई थी जिसमें उनकी पहली एल्बम के लिए स्क्रीन अवार्ड्स और सन 1997 को चैनल वी व्यूवर चॉइस अवार्ड जीता था। लकी अली को 60 हफ्तों के लिए एमटीवी एशिया चार्ट्स में शामिल भी किया गया था। लकी अली ने ओ सनम एल्बम के एक सॉन्ग को सबसे ज़्यादा इंडियंस ने पसंद किया। लकी अली की दूसरी एल्बम सिफर थी जो उनके पिछले एल्बम की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकी थी। लकी अली का तीसरा एल्बम अक्स थी जिससे फैंस ने काफ़ी अच्छे रिएक्शंस दिए थे। लकी अली अपनी आवाज़ अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। लकी अली के एल्बम आज़ादी अकेलेपन अस्थिरता जैसे कई भाव दिखते हैं। लकी अली ने कहो ना प्यार है के जरिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री की थी। ऋतिक रोशन की फिल्मों के गानों ना तुम जानो ना हम और एक पल का जीना लकी अली ने इन गानों में अपनी आवाज़ दी थी। लकी अली को ना तुम जानो ना हम गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। लकी अली ने कांटे त्रिकाल सुर द मेलोडी ऑफ लाइफ कसक हमारे तुम्हारे किताब और ये जिंदगी जैसी कुछ हिंदी फिल्म्स में एक्टिंग भी की है। तो ये है लकी अली को लेकर पूरी खबर जहाँ पर लकी अली के बचपन से लेकर उनका करियर उनकी पूरी बायोग्राफी और साथ ही लकी अली को लेकर उनके निधन को लेकर उड़ रहे रूमर्स को लेकर भी हमने कर दिया है खुलासा कि लकी अली पूरी तरह से ठीक है, उनका कोई निधन नहीं हुआ। ये सिर्फ एक फेक न्यूज़ थी, रूमर्स थे जो सोशल मीडिया पर उड़ाए जा रहे थे। नेक्स्ट सन लाइव से रजनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट लकी अली के निधन को लेकर, जहां पर लकी अली के निधन को लेकर सोशल मीडिया पर रूमर्स उड़ रहे थे कि लकी अली का निधन हो गया है। लेकिन फाइनली लकी अली की दोस्त नफीसा अली ने बताया सच कि किस तरह इन रूमर्स को सच ना माने ये बेतुकी बात है, ये गलत बातें हैं, ये खबर झूठी है। इस खबर को सच ना माने, बेंगलुरु में है लकी अली अपने परिवार के साथ सही सलामत है और उन्हें कोई भी कोरोना की बीमारी नहीं हुई है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।